सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द शंकु ड्रैगन। हम तो कैसे आप लोग आज का तब सही और मस्त हो गए। सो आप लोग सोच रहे हैं कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज अपने को इंस्टा पे अपने एक भाई ने मैसेज किया था कि मैं जो अपना गणपति का फेस रिवील अपन मूर्ति रिवील करते तो तभी एक बैनर गिरा थे अपन, तो कैसा करते करके। तो वो बहुत ईजी है, दिखाता हूँ कि वो कैसा करना है करके। तो ईजी प्रोसेस है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि पहले क्या क्या चीज़ लगने वाला है। तो चलो आपको फर्स्ट दिखाता हूँ मैं, तो आपको फर्स्ट मैं ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक पिस्टन लगेगा अपने को, फिर यहाँ पे अपना रेडस्टोन पाउडर लगेगा, और यहाँ पे बैनर, और यहाँ पे एक लीवर लगेगा। तो ये इन चीज़ों से अपना जो मूर्ति रिवील का है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है पिस्टन। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसा करना है। तो फर्स्ट पिस्टन आपको लाइन में स्टिकी पिस्टन ने नॉर्मल पिस्टन लगाना है। तो नॉर्मल पिस्टन लगा दिया, तो उसके बाद आपको रेडस्टोन से सबको कनेक्ट कर देना है। इसको कनेक्ट कर दिया, फिर उससे एक वायर जो है यहाँ पे ले लो, और उसको है ना आपको कैसा करना है वो हिसाब आपके ऊपर है। आपको किधर से लेने का है वो हिसाब आपके ऊपर आप लोग कर सकते हो। उससे एक वायर को यहाँ पे खींच के दीवार को कनेक्शन देने का और उठा देने का। आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग बैनर करने वाले ये जो है उठा के रहने वाला, उठा के रखने का। अगर आप लोग उठा के नहीं रखेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट लेयर वो गिर जाएगा, बट ऊपर का लेयर नहीं गिरेगा। तो आपको मैं फर्स्ट वो करके दिखाता हूँ जो नहीं यू होएगा। तो अभी ये देख सकते हो फर्स्ट लेयर अपन ने बना दिया है। तो अभी फर्स्ट लेयर में जो है ये गिर जाएगा, बट अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये अपन एक दो तीन चार पाँच और लगाया, इसके ऊपर एक और लेयर लगाता हूँ। अभी देखो एक दो तीन, ये लगा दिया। तो अभी देखो वो दोनों भी नहीं गिरेगा, अभी देखो एक ही गिरा। तो उसके लिए आपको क्या करना, ऊपर रख के ही आपको मारना है। तो उससे क्या होएगा कि वो पूरा बराबर गिरेगा, नहीं तो फिर नहीं होएगा कोई भी। उसके लिए आपको बराबर करना है उतना याद से, नहीं तो फिर आपका वो इतना मेहनत करके फिर वेस्ट रहेगा। इसमें मेहनत नहीं है, 5 मिनट का काम है, बट फिर भी मैं आपको क्यों आपका टाइम वेस्ट हो उसके लिए फर्स्ट ही आपको बताया था। तो अभी आपको ऊपर ही रखे लाए, तो ऊपर रख के अभी अपने को पूरा ये करना है। तो साइड का ब्लॉक टूट गया, उसको लगा देंगे। अभी ऊपर रख के अपने को फटाफट, अभी देखो ऐसे इस पर लगाते आप यहाँ पे लगाने का, फटाफट मस्त रहेगी। ऐसा करो तो लगाने का टाइम तो आराम से आगे पीछे लग जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। तो ऐसे आपको लगाना है मस्त से पूरा फटाफट। तो मैं फटाफट लगाता हूँ और आपको मैं मिलता हूँ। सो अभी देखो अपना जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा ऊपर तक कर दिया है। सो अभी आपको चाहिए तो अभी इसमें से थोड़ा सा दिखेगा ये मूर्ति, वो कितना भी बोलो वो मूर्ति दिखेगा। तो उसके आपको नहीं दिखाना तो ऊपर लाइट बंद रख सकते हो आप लोग, वो आपके ऊपर है। वो लाइट मैनेजमेंट आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि नीचे से दिख रहा है करके, तो मैं क्या करता हूँ नीचे से दिखना नहीं चाहिए स्टेज पे ऊपर रखता हूँ। जब भी मैं तो यहाँ पे रिव्यू करता हूँ तो बराबर सब मेंटेनेंस देख के करता हूँ अंदर वगैरह। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैंने ऊपर से किया, नहीं तो मैं नीचे से ही करता हूँ बराबर पूरा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उतना कुछ दिखेगा भी नहीं। तो आप लोग अभी वर्कशॉप में रिवील करेंगे तो उधर पे मूर्ति हाइट पे रखते हैं। मेरे वर्कशॉप पे जो हाइट पे रहता है मूर्ति, बाकी का मुझे पता नहीं, बट मैं हाइट पे रखता हूँ मूर्ति को। तो हाइट पे रख के फिर अपन ऐसा रिवील करते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसा होएगा करके। तो ये देखो यहाँ पे अपना बटन है, तो उसको प्रेस करते ही पूरा निकल जाएगा। तो ऐसे अपना रिवील होता है। तो देखा आपने कितना ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी काम है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऊपर रख के लगाने का, अगर नीचे रख के आपने अगर किया तो वो काम नहीं करेगा। सिर्फ एक ही लेयर जो है वो हटेगा, बाकी का आपका मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। अभी अपना गणेश चतुर्थी भी आ चुका है, तो किसको भी अभी अपना बहुत सारे जन को अभी गणपति लाने के लिए फेस मूर्ति रिवील करने के लिए ये सब करने का रहता है, तो कर सकते हैं आप लोग। बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू।